बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप सुन रहे हैं इमरान रफीक। मैं रिसेंटली वेल केयर फ्रॉम पीएमएस मिनिस्ट्रियल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास करके, तो ये मेरा पहला मौका है किसी एक्साइटेड ऑडियंस के सामने बात करने का। कोई बंदा कमेंट में मुझे बता दे कि मेरी वीडियो और ऑडियो जो है ये ठीक आप तक पहुंच रही है, उसके बाद जो है मैं अपने मतलब टॉपिक पर आता हूँ और जो कंटेंट्स हैं उसको प्लान तरीके से हम लेकर आगे चलेंगे। प्लीज ऑडियंस ये मुझे बता दें कोई टेक्स्ट करके कि मेरी बात जो है वो आप तक पहुँच रही है। जी दोबारा से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इमरान रफीक फ्रॉम लिया, रिसेंटली एलोकेटेड as assistant commissioner through PMS ministerial quota through PPSC at merit 14 out of 18 seats. बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि इसके बारे में बात की जाए और बताया जाए कि PMS ministerial quota का एग्जाम एक्चुअली है क्या। मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे सीनियर, मेरे मेंटोर मियां शफीक साहब ने ये अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड की कि मैं आप लोगों से बात करूं और आपको बताऊं through this talk के what is PMS ministerial exam and how it is different from PMS regular। पंजाब के जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं ये सीट्स उनके लिए अनाउंस होती हैं जो परमानेंट जॉब कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट के अंडर जो लोग परमानेंट जॉब्स कर रहे हैं फ्रॉम ग्रेड 5 टू ग्रेड 16, ये सीट्स उनके लिए मुख्तस हैं और ये टोटल जो पीएमएस की सीट्स हैं उनका 5% कोटा है। एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि पीएमएस जनरल के 3 चांस खत्म हो जाए तो आपके पास पीएमएस का कोई चांस नहीं बचता। सबसे पहले मैं इस मिसकंसेप्शन को क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम अपनी जो प्लान गुफ्तगू है उसको आगे बढ़ाएंगे। पीएमएस रेगुलर जो है वो टोटली डिफरेंट है पीएमएस मिनिस्ट्रियल से। पीएमएस रेगुलर जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 1200 नंबर का एग्जाम है और पीएमएस मिनिस्ट्रियल इसके अगेंस्ट सिर्फ 150 मार्क्स का एग्जाम है। देयर आर ओनली 3 पेपर्स जिनमें एक पेपर है जनरल नॉलेज का, 1 पेपर एमसीक्यू के नाम से उसे जाना जाता है और जो यहाँ की ऑडियंस है वो तकरीबन तमाम लोग ही इसे जानते हैं कि व्हाट इज 1 पेपर एमसीक्यू। इसको मैं बाद में एलैबोरेट करता हूँ कि इसके लिए हमने कैसे प्रिपरेशन करनी है और कौन कौन से रिकमेंडेड बुक्स जो हैं वो इसके लिए आपको चाहिए। 3 पेपर हैं, एक पेपर जैसा कि मैंने आपको बताया 100 नंबर का, 100 मार्क्स का, 1 पेपर एमसीक्यू जनरल नॉलेज। दूसरा पेपर है इसमें इंग्लिश एसे 25 नंबर का और तीसरा पेपर है उर्दू एसे, वो भी 25 मार्क्स का है। टोटल 3 पेपर हुए और टोटल इनके मार्क्स हैं 150, 25-25 के 2 ऐसे, एक एक घंटे के ड्यूरेशन के साथ, और 100 नंबर का जो है वो 1 पेपर एमसीक्यूज है। अब इनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है कि हमने इसमें कितने मार्क्स लेने हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसके लिए, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। फिर हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्जाम आफ्टरवर्ड आई शैल एक्सप्लेन इट कि इसके लिए कौन कौन से सोर्सेज आपको चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये मिनिस्ट्रियल कोटा का एग्जाम है इसमें 25-25 के 2 ऐसे और एक जो है वो 100 मार्क्स का है, एक एक घंटे का ऐसे है और 2 घंटे का जो है ना वो एग्जाम है आपका 1 पेपर एमसीक्यू जो है। इनको पास करने के लिए आपको विद इन ईच पेपर 40% मार्क्स लेने हैं। एक ऐसे में 25 में से 40% यानी 10 चाहिए आपको, दूसरे ऐसे में ही ऐसे 10 आउट ऑफ 25 चाहिए और जनरल नॉलेज में भी आपको 40% मिनिमम रिक्वायर्ड टू पास दिस पेपर। अब इंटरव्यू के क्वालिफाई करने के लिए आपको एग्रीगेट बनाना है जो कि 50% है टोटल मार्क्स का। तीनों पेपर अलग-अलग से पास करने हैं, उसके बाद आपको 150 में से 75 लेना है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए। अब अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद इंटरव्यू 200 मार्क्स का है यहाँ पर, जिसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी शामिल है जिसके अलग से कोई मार्क्स नहीं है।
200 का इंटरव्यू और 150 के जो है ना ये रिटन एग्जाम्स है। टोटल ये इम्तिहान है पीएमएस मिनिस्टेरियल, और ये 5% सीट्स हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया पीएमएस की, और इसके थ्रू आप पीएमएस ग्रुप में एलोकेट हो जाते हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के लिए, सिविल सर्विसेज ऑफ द पंजाब के लिए। अब मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या है और जो एसए के पेपर्स हैं उनका सिलेबस क्या है। पहले उर्दू एसए की बात करते हैं। उर्दू एसए में करंट अफेयर्स, उर्दू लैंग्वेज और जो हालात हाजरा हैं उसके बारे में ही कॉमनली एसए पूछे जाते हैं, और जो हमारा तर्ज हुकूमत है, हमारे सियासी हालात हैं, बाज़ुकात मज़हबी हालात या जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज हैं, या इसके अलावा कोई हालात हाजरा का टॉपिक हो, तो चार टॉपिक्स में से आपने कोई एक टॉपिक हल करना होता है, और विच इज़ वेरी सिंपल टू टैकल। उसके लिए रिकमेंडेड बुक्स में मैं आपको बता दूं कि उर्दू मजामीन सोबान चौधरी की बुक है कारवान पब्लिशर्स की, उसने बहुत अच्छा लिखा है और बहुत अच्छा एलेबोरेट किया है उर्दू एसे को। अगर आप उसको कंसल्ट करें तो काफ़ी हद तक वो आपके उर्दू एसे का जो इशू है उसको सॉल्व कर देता है। दूसरी बुक मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करता हूँ उर्दू एसे के लिए एडवांस पब्लिशर्स की, उर्दू मजामीन सब के लिए इसका टाइटल है इम्तियाज शाहिद जो है वो इसके राइटर हैं। उर्दू मजामीन सब के लिए, उर्दू के लिए मैं दूसरी बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। और अब बात करते हैं जनरल नॉलेज के पेपर की, और क्योंकि इंग्लिश एसे जो है उसको एंड में डिस्कस करेंगे, ये एक लंबी बात है। जनरल नॉलेज बिल्कुल ऐसा ही पेपर है जैसे किसी भी सीट के लिए, किसी भी गजटेड या नॉन गजटेड सीट के लिए एग्जाम लेता है पीपीएससी, और वन पेपर एमसीक्यूज की तैयारी की जाती है जिसमें पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, एविडेंस साइंस, जनरल एबिलिटी, ये तमाम जो सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं करीब 10 एरियाज ये बनते हैं। तो इसके लिए किसी एक सोर्स से तैयारी नहीं की जा सकती क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज कंसल्ट करना पड़ते हैं, स्पेशली पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज पर आपको फोकस करना है, एवरीडे साइंस पर आपको फोकस करना है, और उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी या जनरल एबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं उस पर आपको फोकस करना है, बाज़ुकात मैथमेटिक्स से भी एक दो क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। उसके लिए एक बड़ी लॉन्ग वैरायटी है पीपीएससी के पास पूछने के लिए, और बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं, कारवान पब्लिशर्स की बुक कंप्रीहेंसिव जनरल नॉलेज उसके लिए एक बेहतरीन सोर्स है, और एडवांस पब्लिशर्स के प्रिंट शुदा जो मॉडल पेपर्स हैं जनरल नॉलेज के, ये दो बहुत अच्छी राइटिंग्स हैं। और इल्मी पब्लिशर का जिसे मैंने कंसल्ट किया, इल्मी पब्लिशर वन पेपर एमसीक्यूज के नाम से बुक है राइट बाल खरल की, तो ये तीन सोर्सेज जो मैंने कंसल्ट किए और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनसे हासिल किए, एरियाज मैंने आपको बता दिए हैं और आपको सोर्सेज भी बता दिए जो मैंने कंसल्ट किए हैं। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, मैं तो अपनी अप्रोच और अपनी जो रिकमेंडेशन है वो ही आपको पास कर सकता। अब बात करते हैं इंग्लिश एसे की, तो तमाम लोगों ने मेरी पोस्ट भी पढ़ी होगी, मियाँ साहब ने भी शेयर की और बाकी दोस्तों ने भी, कि मेरा सफर जो है इस कंपटीशन के एग्जाम में करीब एक दहाई का है। मैं 2010 से ऑनवर्ड चला हूँ इस कारवान के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे अब कामयाब किया 2020 में आकर। 10 साल मुझे लग गए इस एफर्ट में, तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो इंग्लिश रही है, इंग्लिश ग्रामर। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश ऐसे जो है ना वो मेरा आज तक ड्रॉप नहीं हुआ। मैंने कोई 8 अटेम्प्ट्स किए हैं कंपटीशन की, 3 सीएसएस की, 3 पीएमएस की और 2 पीएमएस मिनिस्ट्रियल की। अल्हम्दुलिल्लाह माय एसे रिमेन अनडिफीटेड थ्रू आउट द डिस्कोर्स ऑफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। इंग्लिश एसे को डील करने के लिए बड़ी फ्रस्ट्रेशन और बड़ी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, स्पेशली कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की जो एरिना है उसमें, कौन सा अच्छा टीचर है, कौन सी अच्छी राइटिंग है, अच्छा कैसे ऐसे को टैकल किया जाता है, ये एक बहुत लंबी डिबेट है। अच्छा किन टॉपिक पर ऐसे तैयार करने चाहिए, कुछ लोग समझते हैं ऐसे याद करने से तैयार हो जाता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश ऐसे के बारे में बिल्कुल डिफरेंट है। मैं समझता हूं ऐसे एक आर्ट है, अगर आप वो आर्ट सीख ले तो आप ऐसे को, ऐसे के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते। कुछ लोग इसको इंग्लिश का इम्तिहान समझ कर देते हैं, जबकि मेरे नजदीक ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है।
अगर आप इसको पर्सनैलिटी का टेस्ट समझ के देंगे और सोसाइटी बेस्ड अप्रोच लिखेंगे, मेरा ख्याल है आप इसको बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो जो सोसाइटी के बारे में आपकी इंटरप्रिटेशन है, बेसिकली एग्जामिनर वही चेक करना चाह रहा है कि आप सोसाइटी के बारे में सोचते कैसे हैं और आपकी सोच किस हद तक मैच्योर है और आपकी जो बात है वो आपके जो आइडियाज हैं वो कंप्रीहेंड हैं कि नहीं सोसाइटी के बारे में। लैंग्वेज का किरदार यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी बात को डिलीवर कर रहे होते हैं। ये मेरा जाती तज्जिया ऐसे के बारे में। मैं CSS के कैंडिडेट्स को बड़ा अच्छा से इंग्लिश ऐसे पढ़ा भी रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्वालिफाई भी किया है और वो फील्ड में सर्व भी कर रहे हैं। मुझे थोड़ी देर हो गई इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, बहरहाल अल्लाह ताला का फिर भी बड़ा शुक्र है कि मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करके सिविल सर्विसेज में आ गया हूँ, जो कि मेरा एक बड़ा लॉन्ग लास्टिंग ड्रीम था। आप लोगों के बहुत सारे सवाल मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, लेकिन राइट नाउ मैं इनके जवाब नहीं दूंगा क्योंकि हमारी ये जो टॉक है इसका जो तसलसल है कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं आप सब लोगों के क्वेश्चन इस टॉक के एंड होने पर उनको जो है ना इंडिविजुअली उनको जवाब दे दूंगा, ताकि आप लोगों को बेहतर अंदाज में मैं इसके बारे में बता सकूं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताने चलता हूँ कि मेरा जो ये जो सफर है कांस्टेबल से लेकर तो असिस्टेंट कमिश्नर सिलेक्ट होने तक ये कैसा है और किस तरह मैं मोटिवेटेड रहा, किस तरह मैंने अपने आप को इस फील्ड में इंटैक्ट रखा और जो हर्डल्स हैं उनको कूप अप करने के लिए मैंने क्या क्या पॉलिसीज जो है ना वो अपनाई। मैं अल्लाह ताला की जात का बहुत ही मशकूर हूँ कि रब ताला ने मुझे साबित कदम रखा और मैं शेक नहीं हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ। वरना मैंने ढेर सारे अपने दोस्तों को, अपने क्लीग्स और फेलोज को देखा है कि एक बार फेल होने के बाद वो क्विट कर जाते हैं, फील्ड चेंज कर लेते हैं या सिस्टम को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने अपनी गलतियों को ठीक करके आगे बढ़ने का जो तरीकाकार अपनाया वो बिल आखिर मुझे कामयाबी तक ले आया। हर फेलियर ने, हर अटेम्प्ट की नाकामी ने मुझे एक बात सिखाई और अगली बार मैंने उस गलती को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको क्वालिफाई किया। तो कुछ लोगों का सवाल, अक्सर लोगों का बल्कि सवाल ये होता है कि आपने अपनी मोटिवेशन को कैसे मेंटेन रखा। इस सवाल का जवाब मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कि मैं कांस्टेबल भर्ती हुआ पंजाब पुलिस में 2002 में और आज मेरी सर्विस कोई 17.5 साल है जब मैं PMS ऑफिसर एलोकेट हुआ। मैं जब अपने डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ कांस्टेबल तो मेरी तालीम सिर्फ FSC थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं PhD स्कॉलर हूँ। साउथ एशियन स्टडीज में मैं PhD कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो रीजन ये थी मेरे मोटिवेटेड रहने की कि जितनी भी हर्डल्स मेरे रास्ते में आती थी ड्यूरिंग मेरी पढ़ाई या मेरी जो एक काविश थी, जो डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे कभी मेरे सीनियर की तरफ से कोई डांट, कोई डबट, कोई सरजनिश होती तो उस रात मैं सोया नहीं करता था। आप लोगों के लिए ये बात बड़ी हैरानकुन हो शायद या बड़ी अजीब हो, लेकिन ये एक ट्रू स्टोरी है कि जिस दिन मेरी किसी मेरे सीनियर से चटक्लेस हुई किसी बात पर, वो मुझसे नाराज हुए, तो उस नाराजगी का मैंने इजहार अपने साथ ऐसे किया कि मैं उस रात सोया नहीं और मैंने किताबें उठाई और मैं पढ़ता रहा कि मुझे आगे निकलना है, मुझे इस फील्ड को छोड़ करके जाना है। मैं कांस्टेबल भर्ती तो हूँ लेकिन मैंने कांस्टेबल रिटायर नहीं होना। मैंने इस 17.5 साल में अपने डिपार्टमेंट में भी प्रमोशन की, मैं कांस्टेबल से आज ASI हूँ और मैंने अपनी तालीम को भी बढ़ाया। मैं इंटरमीडिएट करके आया था तो आज मैं PhD कर रहा हूँ। ढेर सारे जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं, जो डिस्करेजिंग एलिमेंट्स हैं, उससे मैं मायूस नहीं हुआ, मैं थका नहीं, मैं आगे बढ़ता रहा सिर्फ ये सोचकर। और ये जो डिस्करेजिंग एलिमेंट्स थे इन्होंने ही मुझे बेसिकली, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन थी। जब कभी कोई डिपार्टमेंट में या कभी ड्यूटी के दौरान कोई मुश्किल मुझे पेश आती तो मैं शाम को बैठकर एनालाइज करता था कि आज का दिन कैसा गुजरा है और इस दिन में मैंने क्या लर्न किया है। अब तो जवानी है, मैं ये सख्त और मुश्किल ड्यूटी कर सकता हूँ,
मिडिल एज के बाद मुझे ये ड्यूटी कैसी रहेगी। तो उस एनालाइज में, उस तज़िए में मैंने ये देखा, हर रोज की तज़िए में, कि अगर मुझे यहाँ पर सस्टेन करना पड़ा तो मेरा मुस्तकबिल बहुत मुश्किल में होगा, बहुत मुझे तकलीफ उठानी पड़ेगी ज़हनी तौर पर भी और फिजिकली भी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में आपको सर्वाइव करना और सर्व करना एक बहुत मुश्किल काम है, एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। जो लोग पुलिस में हैं और मुझे सुन रहे हैं वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कांस्टेबल को इस डिपार्टमेंट में किस कदर मुश्किलात जो है ना वो फेस करना पड़ती है। इसके बाद मेरी फैमिली के इश्यूज थे, उसके बाद मेरी मुझे सोसाइटी का प्रेशर था। अब एक चीज़ तो मैंने आपको बताई, मेरी मोटिवेशन के पीछे जो है ना वो मेरे डिपार्टमेंट के जो एलिमेंट्स हैं जो डिस्करेजिंग, या मेरे सीनियर्स का अच्छा बिहेवियर ना होना, उन चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया। दूसरा एक सोसाइटल प्रेशर है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रवेल करता है। ये सोसाइटल प्रेशर कंपटीशन के एग्जाम के जो कैंडिडेट्स हैं तकरीबन हर किसी के ऊपर ऐसे ही वारिद है जैसे मेरे ऊपर था। और मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ शायद यहाँ पर जो सोसाइटल प्रेशर है ना वो बाकी एरिया से कुछ ज्यादा है। आप जब एक कंपटीशन का एग्जाम देकर आते हैं तो लोग आपसे पूछना शुरू कर देते हैं कि रिजल्ट आया आपका क्या बना। जो मैंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस किया अपने डिपार्टमेंट में वो ये था कि हर बंदा मुझसे पूछने वाला था, मैं आपको उस रैकी में वो बात थोड़ी सी इलेबोरेट करना चाहता हूँ, कि हर बंदा मुझसे कह रहा था हूँ वत रह गए, मतलब उसका ये था कि अब की बार फिर आप फेल हो गए। तो इस चीज ने मुझे सोने नहीं दिया, इस चीज ने मुझे बैठने नहीं दिया कि इनकी ये जो बात है कि मैं फिर से रह गया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान कभी नहीं हारता, इंसान को हमेशा जो है ना तगड़ो करनी चाहिए। और मेरी अनटायरिंग एफर्ट के पीछे ये मेरे सेल्फ मोटिवेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल यही है, और इन्हीं को मैंने आगे बढ़ाया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकाम तक पहुंचा हूं। इसके अलावा दोस्त पूछ रहे हैं यहाँ पर कि मिनिस्टेरियल कोटा की एज क्या है। तो इसके लिए ये अर्ज है कि मिनिस्टेरियल कोटा एग्जाम के लिए कोई एज नहीं है। अच्छा, मैंने मुख्तसर सा आपको अपने डिपार्टमेंट और अपने बारे में बताया, बात को उस प्लान स्टोरी की तरफ लेकर आते हैं कि जो हमारी बात बकाया है कि जनाब यहाँ पर एक्सपीरियंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो 5 to 8 years चाहिए होता है, कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 8 साल। उसके लिए SNGAT डिपार्टमेंट ने 2 brackets बनाई है। पहली ब्रैकेट है grade 5 to 10 एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज 8 years। सेकेंड ब्रैकेट इज फ्रॉम grade 11 to 16, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज 5 years। अब रीसेंट जो डेवलपमेंट है ना एक्सपीरियंस के हवाले से, उसमें मैं आपको ये वाजे करता चलूं कि अगर आपका एक्सपीरियंस दोनों ब्रैकेट में फॉल करता है, इन केस के आपकी सीट का स्केल रिवाइज हो गया है या आप एक जॉब से दूसरे जॉब में चले गए हैं, मैक्सिमम एक्सपीरियंस अगर आपका 8 साल तक है, मैं दोबारा बताता हूं कि अगर आपका एक्सपीरियंस दोनों ब्रैकेट्स में फॉल करता है तो आपका एक्सपीरियंस मिनिमम 8 years होना चाहिए। 8 years एक्सपीरियंस आपका अगर पहले वाली ब्रैकेट में है grade 5 to 10 या दूसरे वाली ब्रैकेट में है grade 11 to 16, इट शुड बी 8 years। अगर सेपरेटली आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो grade 5 to 10 8 years होना चाहिए और 11 to 16 जो है ना वो 5 years होना चाहिए। ये मैंने आपको तजर्बे के बारे में बता दिया कि आपको सरकारी जॉब का जो परमानेंट जॉब है उसका एक्सपीरियंस। एक और बात यहाँ पर जो वो क्लियर करना मैं जरूरी समझता हूँ कि आपकी रीसेंट जॉब जो है ना दैट शुड बी परमानेंट। कॉन्ट्रैक्ट जॉब पर मौजूद लोग इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, PMS मिनिस्ट्रियल कोटा का एग्जाम में नहीं बैठ सकते। अब बात होती है कि आपकी प्रीवियस जॉब अगर नॉन परमानेंट थी या कॉन्ट्रेक्चुअल थी तो उसके बारे में क्या किया जाएगा। रीसेंट जॉब तो परमानेंट होना लाजमी है, लेकिन अगर आपकी प्रीवियस जॉब नॉन परमानेंट थी और अब आप परमानेंट जॉब पर हैं तो वो आपका नॉन परमानेंट जॉब का एक्सपीरियंस काउंट होगा। आपका एक्सपीरियंस नॉन परमानेंट भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। उस सिलसिले में एक्सपीरियंस ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन आपकी जो रिसेंट जॉब है ना दैट शुड बी परमानेंट।
और मैंने आपको एक्सपीरियंस का जो बेंचमार्क था वो भी बता दिया कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. आपको मैंने पेपर्स के बारे में भी बता दिया कि रिटन कौन के एग्जाम में क्या कुछ चाहिए, कौन कौन से पेपर्स हैं, और एज के बारे में भी डिस्कस हो गया. मुख्तसर सी बात मैंने अपने बारे में की. एट द एंड मियां शफीक साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि एक तो ये कि वो मुझे इस मंजिल तक ले करके आए. इस तमाम का क्रेडिट इस बंदे को जाता है जिसका नाम मियां शफीक है. लोगों के लिए ये सीएस भी हैं, मेरे लिए बड़े भाई हैं, और बड़े भाइयों की तरह इसने गाइड किया, इन्होंने गाइड किया सब. और मज़े की बात मियां शफीक साहब के बारे में बताता हूँ कि लोग कामयाब लोगों को तो फ़ोन करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे राह रस्म बढ़ाते हैं. क्यों इंसान है, जब मैं नाकाम हुआ CSS की अटेम्प्ट 2013 में, मेरे 691 मार्क्स थे रिटन में, जबकि मेरा ग्रामर एक नंबर से फेल था. तो मियां शफीक साहब ने मुझे कॉल की और मुझे दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, CSS के बगैर भी लोग जिंदा रहते हैं. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि स्टूडेंट तो उनके बहुत सारे थे लेकिन, और कामयाब लोगों को भी लोग कॉल करते हैं लेकिन नाकाम लोगों को भी कॉल करते हैं. तो मियां साहब ने मेरा बड़ा हौसला बढ़ाया. और सिर्फ एक बार नहीं, इसी तरह मैं PMS में नॉट एलोकेटेड रहा 2013 में, 2014 में PMS में नॉट एलोकेटेड रहा, 2015 में रिटर्न फेल हो गया, 2016 में मैंने मिनिस्टीरियल की एक सीट आई, मैंने क्वालिफाई किया, मेरे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आए, ओवरऑल मेरिट नंबर मेरा 3 बना पंजाब में, वाइल देयर वाज ओनली 1 सीट. तो तब भी ये मेरे साथ रहे, इसके अलावा भी इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया. तो ये तमाम टॉक आपके कहने पर मैंने बनाई, शेयर कर रहा हूँ. और मियां शफीक साहब आप ही मेरी इंस्पिरेशन हैं, बड़े भाई हैं. ये वीडियो भी, ये टॉक भी आप ही को डेडिकेट किया. थैंक यू सो मच व्यूअर्स एंड ऑडियंस. दिस टाइम आई एम सीइंग दैट 214 पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो. आप लोगों की जो करेज हैं वो आप कमेंट में लिखें. मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसके जवाब में आपको बेहतर अंदाज में, फ्री होकर के, जब भी फ्री होगा रात को, लेट नाइट या कल जब भी, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा. फर्दर मोर मुझे आप फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई गाइडलाइन चाहिए हो. तो कभी कोई ये फील ना करे कि आप किसी PMS अफसर को कॉल करेंगे या फोन करेंगे या मैसेज करेंगे तो हेजिटेट ना करें, बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें. बिला शुबा फ्रेंकली आप बात कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछ सकते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में, बुक्स के बारे में, फर्दर कोई कोचिंग और इसके अलावा भी. मैं थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर.